हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। आप मेरे हाथ में एक स्पेसिमेन भी देख रहे हैं। ये सेम ट्रिक जो है बाकी किंगडम्स के साथ करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट द प्लांट किंगडम, मोस्ट सोबर किंगडम इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। सबसे सीधे सरल होते हैं, कहीं से भी ले आओ। इस पौधे ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि आप सर अंदर क्यों लेकर के जा रहे हैं, कीप इट मी इन द आउटसाइड इन द सनलाइट। तो बात करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में और पढ़ते हैं प्लांट किंगडम के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, सारा कुछ इसमें समझते हैं बच्चों। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर टुडे। प्लांट किंगडम फर्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर तक जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम है। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एल्गे इन डिटेल। एल्गे के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो एल्गे से ही खत्म नहीं हो जाता प्लांट किंगडम, अभी तो वो पौधा भी आपको बताना है जिसको मैं लेकर के आया था अपने साथ। दैट डज नॉट बिलोंग टू एल्गे। आपको ये चीज ढूंढ कर भी निकालनी है और मैं आपको बताऊंगा भी। तो बहुत बहुत स्वागत है सारे बच्चों का जो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार देख लेता हूं कौन कौन से बच्चे हैं यहां पर। सयनदीप, रेखा, प्रिया, कृष्णा, रिंकू, सोनू, विधि, कल्याणी, हिमाद्री, प्रिया, अनुपम, सिमरन, मोहम्मद कैफ, आदित्य, हरीश, सृष्टि, युवराज, बहुत बहुत वेलकम है बच्चों। रूही, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर में एल्गे के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये फोटो आपको देख करके कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा कि एल्गे कैसे दिखते हैं, क्या आप इन सबको पहचानते हैं। और अगर नहीं पहचानते तो मैं इनकी पहचान जरूर करा दूंगा आपसे। तो प्लांट किंगडम लेक्चर वन स्टार्ट करते हैं। और बच्चों लाइक्स दबते रहने चाहिए, बड़े सारे इंफॉर्मेशन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड लेकर के आया हूं आपके लिए। लाइक्स का रेशियो बिल्कुल बढ़ते रहना चाहिए। तो प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं। और बिफोर वी स्टार्ट, तो जिन बच्चों ने पहली बार ज्वाइन किया, माय नेम इज प्रदीप सिंह, माय क्वालिफिकेशंस, माय एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सिर्फ आपकी वजह से मैं यहां पर हूं। आपको अगर मेरे सेशंस पसंद आते हैं तो शेयर कर दीजिए #NEET Live Daily पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। बच्चों चलिए, इंस्टाग्राम पर भी हैं हम, आप इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं @UnacademyNEET Official। तो इस ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं Unacademy NEET Official, और आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो जुड़ जाइए इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ, टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम ऐप को सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल पर। आफ्टर यू हैव इंस्टॉल्ड, गो टू एनी ब्राउजर, गूगल पर जाएंगे एंड देन टाइप tinyurl.com/NEET Live Chat और जुड़ जाइए इस ग्रुप के साथ भी। यहां आपको सारे के सारे अपडेट्स आते रहेंगे, जो भी क्लासेस हो रही हैं, जो भी परिवर्तन या कोई चेंजेस हैं, सारे के सारे अपडेट्स एट अ प्लेस मिलते रहेंगे। एक और उम्दा फीचर tinyurl.com/NEET Mobile, जहां पर आपको सारे के सारे सेशंस एट अ प्लेस देखने को मिलेंगे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। और ये कैटेगराइज्ड है बिल्कुल 11, 12 के हिसाब से एंड सब्जेक्ट वाइज भी है। देखिए सचिन सर की क्लासेस लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सारे के सारे लेक्चर्स आपको यहां पर दिख रहे हैं एट वन प्लेस। और आप यहां से नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF नोट्स स्ट्रेट अवे यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। और अगर आपको और थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो जुड़ जाइए Unacademy सब्सक्रिप्शन के साथ, जो कि एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है। और यहां पर आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीशन कराया जाता है। इट इज जस्ट लाइक एन एनी इंस्टीट्यूट, जहां पर आप जाते हैं, आने जाने में जितना वक्त आप बर्बाद करते हैं, जितना पैसा बर्बाद करते हैं, उससे कम वक्त और कम अमाउंट में आप Unacademy सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़कर अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड आई कैन गारंटी यू कि ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा लिए जाने वाला कोर्स है। तो इसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन नजर नहीं आएगी। सो लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस टू ऑगमेंट योर लर्निंग प्रोसेस, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं। बच्चों मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप पढ़ते हैं तो डाउट्स आएंगे, और अगर डाउट्स आएंगे तो उनका क्लैरिफाई होना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अनसॉल्व्ड डाउट इज लाइक अ टाइम बॉम्ब, जो वक्त के साथ फटने वाला है, क्योंकि वो एक डाउट बाकी सारे डाउट्स को भी निगलता चला जाता है, उसी तरह जैसे स्लाइम मोल्ड ऑर्गेनिक मैटर को निगलते हुए चला जाता है आगे। देखा था आपने सेशन में स्लाइम मोल्ड कैसे ग्रो कर रहा होता है। तो डाउट्स बहुत जरूरी हैं, प्लीज क्लैरिफाई योर डाउट्स। इस तरह से सेशंस चल रहे होते हैं हमारे। एंड नॉट ओनली दीज, अपार्ट फ्रॉम 50-60 मोर कोर्सेज आर रनिंग, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा ये कोर्सेज चल रहे हैं,
जुड़ जाइए इन कोर्सेज के साथ और अपने कोर्स कंप्लीशन को एक नया आयाम दीजिए और कंप्लीट करिए। तो कैसे लेंगे ये सब्सक्रिप्शन? सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। अपने मोबाइल पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यू विल गेट दिस ऑप्शन प्लस एंड नीट। सो दिस इज द वे, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए। इसके बाद सब्सक्रिप्शन पेज आ जाएगा जिसमें सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग दी हुई है। यू कैन कंपेयर दिस प्राइसिंग विथ एनी अदर कॉस्ट जो कि आप अपने एजुकेशन में करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो जाने आने में भी डेली का जितना खर्चा होता है पर डे के हिसाब से उससे कम खर्चे में आप अगर दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं विच अमाउंट्स टू अराउंड 2000 पर मंथ। और अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आते हैं तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव एंड यू गेट अ 10% डिस्काउंट, यानी कि 1800 पर मंथ विच कम्स टू अराउंड 60 डेज पर डे। इससे ज्यादा तो आप आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर देते हैं, उतने पैसे में आप बिल्कुल घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से चूज कर लीजिए और अगर मेरे सेशंस पसंद आते हैं तभी यूज करिएगा कोड प्रदीप लाइव। चलिए आज के सेशन के साथ शुरू कर देते हैं और बात करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम को देख लेते हैं। प्लांट किंगडम का एक नमूना तो आपने देख ही लिया था कि सबसे सोबर किंगडम है। आप किसी फंजाई को इतनी आसानी से नहीं ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, मशरूम हम खाते जरूर हैं लेकिन रिस्क रहता है कहीं पॉइजनस तो नहीं हो जाए। कई बार पॉइजनस मशरूम भी आ जाते हैं एंड दे कैन कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग। प्रोटीन के रिएक्शंस होते हैं, कुछ लोगों को सूट भी नहीं करते हैं फंजाई के जो मेंबर्स हैं खाने में। एनिमल किंगडम की बात करें तो आपको पता ही है इतना इजी नहीं है एनिमल्स को कैरी करना। मैं लायन को नहीं लेके आ सकता क्लास में, बट आई कैन ब्रिंग अ बैनियन ट्री इन द क्लास। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये कैसे कह दिया, बैनियन ट्री क्लास में कैसे लाया जा सकता है? बैनियन ट्री को आप बॉन्साई के फॉर्म में उगा सकते हैं अपने घर में। बॉन्साई इज अ जैपनीज टेक्निक ऑफ ग्रोइंग द प्लांट्स जिसमें रूट्स की ट्रिमिंग होती है। और बैनियन क्या, मैंने तो इतना बड़ा मैंगो ट्री भी देखा जिसमें इतना बड़ा आम लगा हुआ था। So that is also possible, but आप किसी भी carnivorous animal के साथ ये चीज नहीं दोहरा सकते। तो मुझे plants इसलिए भी ज्यादा पसंद है because they are the most friendly ones in the total animal kingdom. Bacterias are not that friendly, protists are not that friendly. ठीक है, तो अब बात करते हैं। एक बार फोटो जरूर देख लीजिए आप, ये जो मैंने फोटोज लगाई हैं तो इसमें कुछ कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है। Have everyone been able to find this one? इसको आप सब बच्चे समझ पाए कि नहीं, ये क्या है? एक अजीब सा कैप लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया इज अ ग्रीन एल्गे। और ये ग्रीन एल्गे किस तरह का होता है कि ये पूरी की पूरी जो बॉडी देख रहे हैं बेटा एक सेल है। इट इज अ सिंगल सेल्ड एल्गे और इसका न्यूक्लियस इसके रूट के तरफ होता है। रूट तो नहीं होता एग्जैक्टली, राइजॉइड्स होते हैं। तो राइजॉइड के पास इसका न्यूक्लियस होता है और इसके कैप को अगर कट कर देते हैं सो दिस प्लांट कैन रीगेन द कैप बैक अगेन। तो ये इसमें यूनिक फीचर है। चलिए शुरू कर देते हैं भाई, प्लांट किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए ग्रीनरी को देखते ही कैसी सूदिंग फीलिंग आती है ना, कितनी रिलैक्सिंग फीलिंग आती है। सो ग्रीनरी इज एक्चुअली गुड टू आवर आई साइट ऑल्सो। अगर हम ग्रीनरी को कुछ देर निहारते हैं तो हमारी आंखें भी सही रहती हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। व्हाट आर द फीचर्स? तो कैसे होते यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? आपने अभी पढ़ा था कि इसके पहले प्रोकैरियोटिक थे, एक किंगडम प्रोकैरियोटिक था, बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं। सो दिस इज यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक होने के साथ साथ ऑटोट्रॉफिक भी हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी के बनाए खाने के ऊपर डिपेंड नहीं करते, स्वावलंबी भी हैं। सो दे आर ऑटोट्रॉफिक। इसको हम फोटोसिंथेटिक भी बोल सकते हैं। एंड नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स, ये खुद चल फिर नहीं सकते। एक है जिसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं और वो कैसे चलता है ये तो आपको पता ही होगा, बट उसका नाम वॉकिंग फर्न इसीलिए पड़ा क्योंकि वो स्प्रेड आउट कर जाता है ग्रोथ के साथ साथ, बट अदरवाइज लोकोमोशन इज नॉट प्रेजेंट। मूवमेंट तो होता है, टच मी नॉट प्लांट में भी आपने देखा मूवमेंट है, सनफ्लावर में भी आपने पढ़ा हुआ है देखा हुआ है कि मूवमेंट होता है। फ्लावर कैन फॉलो द सन, द पाथ ऑफ द सन, लेकिन लोकोमोशन नहीं होता। व्हाट इज द डिफरेंस? मैं अगर यहां पर फिक्स होकर खड़ा हो जाऊं एंड आई एम मूविंग दिस हैंड, सो ये मूवमेंट है, बट व्हेन आई एम मूविंग हियर एंड देयर दिस इज लोकोमोशन। समझ में आई बात? इसके अलावा सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो सेलुलोज, ये पहला किंगडम है जिसमें सेलुलोज 100% रहेगा ही रहेगा सेल वॉल में। अपार्ट फ्रॉम सेलुलोज दूसरे केमिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सेलुलोज इज यूबीक्विटोसली प्रेजेंट। यूबीक्विटोसली का मतलब बिना किसी संदेह के हर सेल में पाया जाएगा, दैट इज सेलुलोज। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। अब तक आपने प्लास्टिड्स के बारे में नहीं पढ़ा किसी और किंगडम में, सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट किंगडम।
अब आप सोच सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है या उसके जो ऑर्गेनल्स हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थायलाकॉइड वगैरह होता है वो तो हमने पढ़ा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, लेकिन प्रॉपर प्लास्टिड जिनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, वो नहीं पाया जाता किसी और किंगडम में. एंड दैट इज वाई दोज ब्लू ग्रीन एल्गे आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम. तो प्लास्टिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और भाई यूकैरियोटिक अगर नहीं होगा तब भी इसमें नहीं आएगा. यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस दे हैव द यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सारे के सारे सेल्स यूकैरियोटिक हैं, ये नहीं कि कोई एक सेल यूकैरियोटिक होगा. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ऑल ऑफ देम, जनरलाइज्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको हम हेटरोट्रॉफिक बोल सकते हैं, जैसे कि कसकुटा, अमरबेल. इट इज नॉन ग्रीन, दैट मींस नॉन फोटोसिंथेटिक, तो वो टोटली हेटरोट्रॉफिक है. कुछ हेमी पैरासाइट्स भी हैं, जैसे लोरैंथस, मैंगो के ऊपर ग्रो कर जाता है लोरैंथस. पढ़ेंगे इकोलॉजी में भी, पढ़ेंगे इंटरैक्शंस के बारे में, देयर वी विल लर्न. तो वो एग्जाम्पल वहां के हैं, लोरैंथस विस्कम. और एपीफाइट भी ग्रो करता है मैंगो के ऊपर, लेकिन वो एपीफाइट उसकी वेलामेन रूट्स होती हैं, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, मैंगो ट्री का पानी एक बूंद नहीं लेता. लेकिन जो पैरासिटिक हैं वो मैंगो के सेल सैप से, यानी कि उसका जो फ्लोएम सैप है उसको यूज करते हैं, क्योंकि जाइलम तो अंदर होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, फ्लोएम ही बाहर की तरफ होता है, तो वो फ्लोएम को यूज करते हैं. बट दे ऑल्सो प्रोड्यूस ग्रीन लीव्स, यानी कि वो टोटल पैरासाइट नहीं है, कुछ फोटोसिंथेसिस भी वो कर लेते हैं. इस पिक्चर को इंक्लूड करने के पीछे एक और मकसद था बच्चों, जब हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं तो हम कई बार बड़े बड़े ट्रीज के बारे में ही ध्यान लगाते हैं, छोटे ट्रीज को, प्लांट्स को भूल जाते हैं, या जो प्लांट्स भी नहीं है उनको भी भूल जाते हैं. ये पिक्चर ऐसी है कि यहां पर आप देखिए, ये देखिए छोटे छोटे ब्रायो फाइटेस ग्रो कर रहे हैं. सो दिस इज अ सरफेस ऑफ अ वॉल या कोई स्लांटिंग सा पेड़ है, पीछे तो दिख रहा है रॉक सरफेस, यहां पर रॉक सरफेस दिख रहा है, और इसके पीछे जिम्नोस्पर्म भी था. तो फोटो कुछ ज्यादा बड़ी थी, उतनी बड़ी फोटो लगाना पॉसिबल नहीं था. तो इसमें जिम्नोस्पर्म भी है, एंजियोस्पर्म भी है, टेरिडोफाइटेस भी हैं, देख सकते हैं फर्न्स ग्रो कर रहे हैं, ब्रायोफाइटेस भी हैं और थैलोफाइटेस भी हैं, यानी कि इसमें प्लांट किंगडम के हर एक मेंबर अवेलेबल हैं. सो दिस इज अ यूनिक फोटो, बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे ये पिक्चर, ताकि मैं इसको आपके साथ शेयर कर सकूं कि ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे टाइप ऑफ प्लांट्स एक ही जगह पर मिल जाएं. समझ में आ गई बात, अब आगे बढ़ते हैं. आपको साइज का एक आइडिया लग गया होगा, है ना, थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में और जानकारी लेते हैं. ये देखिए ये कितने सुंदर प्लांट्स हैं. सो व्हाट इज दिस, कुछ आइडिया लग रहा होगा आप लोगों को. आई वुड लाइक टू हैव अ लुक इन द कमेंट्स कि आप लोगों को ये क्या दिखाई दे रहा है. आपको लग रहा होगा कि मैं किसी ऐसे जंगल में आ गया हूं, है ना. लेट मी हैव अ लुक. वैष्णवी आपको पसंद आया, वेरी गुड. अनुपम, पुष्की, बहुत बढ़िया. हिमाद्री, युवराज, मोहम्मद कैफ. सो व्हाट इज दिस, ये है क्या. ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें मूवमेंट भी आपको दिख रही है, इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको दिख रही होगी. इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए ये है क्या. पुष्की, विधान, लकी, सेना, सायनदीप, अमरा, तो आप लोगों को ये एल्गे लग रहा. बच्चों ये एल्गे बिल्कुल भी नहीं है, ये ट्री टॉप है बच्चों, ट्री की कैनोपी है. कई बार हम बात करते हैं, देखिए एक छोटी सी बात आपको बताता हूं आज के इस सेशन में. कई बार हम बात करते हैं कि भाई दुनिया को किसी और ने बनाया हुआ है, उसको खुदा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, और ये भी हम लोग ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि वो ऊपर कहीं रहते हैं. तो क्वेश्चन है कि हमने प्लांट्स को हमेशा इंसानों वाली नजर से देखा, ऐसे नीचे से ऊपर ही देखा है, है ना. कभी ऊपर से भी तो देख करके देखो कितना खूबसूरत लगता है. तो दिस इज नथिंग बट द कैनोपी ऑफ द ट्रीज. बच्चों ये ट्रीज की कैनोपी है, और एक यूनिक चीज आप यहां पर देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज हैं, कलर से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ट्रीज की कैनोपी एक दूसरे के साथ मर्ज बिल्कुल भी नहीं हो रही. विंड ब्लो कर रही है, इस वजह से वो स्वेइंग हो रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल डिस्टिंक्शन दिखाई दे रहा होगा एक ट्री की कैनोपी से और दूसरे ट्री की कैनोपी के बीच में. इस फेनोमेना को कैनोपी शाइनेस बोलते हैं, और ट्रीज ये मेंटेन करते हैं. तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि ट्रीज आर वेरी डम, दे कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन देयर सराउंडिंग्स. सो दिस इज कैनोपी शाइनेस का फेनोमेनन है. आपके नीट में नहीं आने वाला, लेकिन आपको जानकारी के लिए बड़ी अच्छी चीज है, आपको पता होना चाहिए ये बात. समझ में आ गई बात. तो ये ट्रीज की कैनोपी है ना, ऊपर से एरियल व्यू है ये.
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लांट किंगडम के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। तो प्लांट किंगडम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट यूनिसेलुलर एल्गे। तो बीच बीच में कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको हम एज एन एक्सेप्शन याद करते चलेंगे। नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं कर सकते, सेलुलोज इन द सेल वॉल हमने अभी देखा। लाइफ साइकिल ऑल्टरनेट विथ हैप्लॉइड गेमिटोफाइटिक जेनरेशन विथ डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जेनरेशन, यानी कि दो तरह की जेनरेशन के साथ इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पाया जाता है। हैप्लॉइड को हमेशा गैमेटोफाइटिक बोलते हैं क्योंकि गैमीट हैप्लॉइड होता है, इसलिए गैमेटोफाइटिक जेनरेशन को हैप्लॉइड जेनरेशन ही बोला जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, गैमीट से वर्ड आया गैमेटोफाइटिक, यानी कि गैमीट को रिसेंबल करने वाले हैप्लॉइड कंडीशन, और डिप्लॉइड कंडीशन जो है स्पोरोफाइटिक जेनरेशन कहलाता है। इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बोलते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग है आप लोगों को समझने के लिए, लेकिन इसको पूरा का पूरा क्लियर किया जाएगा इसी प्लांट किंगडम के माध्यम से। एक फोटो जो लाइफ साइकिल मैंने यहां पर लगाया हुआ है, ये कारा का लाइफ साइकिल है। सो दिस इज कारा, इसमें राइजोइड्स होती हैं, एक्वाटिक है, इसको एक्वाटिक ग्रास भी बोलते हैं, पॉन्ड वीड भी बोला जाता है, कारा ग्लोबुलरिस। तो ये देख लीजिए थैलस का जो स्ट्रक्चर है, रूट लाइक राइजोइड्स हैं और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ना तो इसमें लीफ है, ना तो इसमें स्टेम है, ना तो इसमें रूट है, सिर्फ ये रिसेंबल कर रहा है लीफ लाइक या स्टेम लाइक कैरेक्टर। इट इज मैक्रोस्कोपिक एल्गे, आप अपने हाथ में भी इसको ले सकते हैं, तालाबों में आपने देखा होगा इस तरह का एल्गे दिख जाता है, एक्वेरियम में भी लोग लगाते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोब्यूल जो कि ग्लोब्यूलर है, देख लीजिए ग्लोब्यूल की तरह है ना, राउंड ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एंथेरिडियम, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, और न्यूक्यूल इज ऊगोनियम और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल दोनों के दोनों पाए जाते हैं, ऊपर रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये टेढ़ा वाला, और इसके नीचे यहां पर ऐसे करके एंथेरिडियम लग जाता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों नीट में आ चुका है पोजीशन को लेकर के, कि एंथेरिडियम और उगोनियम का पोजीशन क्या है, यानी कि ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल का पोजीशन क्या है। तो एंथेरिडियम और द ग्लोब्यूल लाइज हियर एट द लोअर पार्ट, और ऊपर होता है न्यूक्यूल। अब इसकी लाइफ साइकिल को एक बार क्विकली देख लेते हैं कि एंथेरिडियम ने क्या बनाना है। एंथेरिडियम ने स्पर्म सेल बनाएगा जो कि हैप्लॉइड होगा, एन आप देख रहे हैं प्लॉइडी लेवल, और उगोनियम के अंदर फीमेल जर्म सेल होगा, फीमेल एग सेल होगा जो कि एन है। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, इन दोनों के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, और जाइगोट के बनते ही ये प्लांट्स गैमेटोफाइटिक जेनरेशंस में ही रहते हैं। तो जाइगोट के बनते ही मियोसिस कर जाते हैं, जिस मियोसिस को हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस हो गया, मियोसिस होते ही फिर से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आ गए, और प्लांट की ग्रोथ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में ही हो रही है। तो ये प्लांट बॉडी ये भी एन है, इधर का जो स्ट्रक्चर है ये भी एन है, ये भी एन है, यानी कि गैमेटोफाइटिक जेनरेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी एन है, स्पर्म सेल भी एन है, और इसके अंदर जो है उगोनियम के अंदर जो एग सेल है वो भी एन है, यानी कि हैप्लॉइड है। ये वाला हैप्लॉइड और ये वाले हैप्लॉइड दोनों फ्यूज कर जाते हैं और बनाते हैं ये स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं 2N। देखिए बच्चों 2N बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए है, सिर्फ एक स्टेज है लाइफ में 2N, जिसको हम बोल सकते हैं जाइगोट। और जाइगोट के बनते ही दोबारा से वो फिर मियोसिस कर जाता है, और स्ट्रक्चर जो बनेगा प्रोटोनिमा वाला वो भी है N। तो आप समझ गए होंगे कि इनकी लाइफ साइकिल में N N N N ही है। तो लाइफ साइकिल कैसी हो गई, प्रीडोमिनेंटली हैप्लॉन्टिक, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन तो हुआ लेकिन मेनली कौन सा पार्ट है, हैप्लॉइड पार्ट। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल हो गया, समझ में आई बात। आगे और पढ़ेंगे तो आप और क्लैरिटी के साथ समझेंगे। अब थोड़ा सा और दोस्ती कर लेते हैं अपने प्लांट्स के साथ। ओ माय गॉड, देखिए ये हमारी कई तरह से मदद करते हैं बच्चों। इतनी तेज हवा चल रही है, सोचिए हम लोग टोपी पहन के निकले तो टोपी निकल जाए, लेकिन प्लांट्स ने उस एयर की स्पीड को कम किया हुआ है। मुझे ठंडी सी लग रही है, नहीं काफी तेज हवा चल रही है आज, मुझे जैकेट डाल के आना चाहिए था। ठीक है, तो आपको कौन सा प्लांट दिख रहा है, मेरे जस्ट पीछे व्हाइट कलर की स्टेम दिख रही है, दैट इज द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, दैट इज द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, जिसको यूकेलिप्टस भी बोलते हैं। काफी बड़ा है, मैं तो बहुत छोटा हूं इसके सामने, देखो इट्स द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, वुल्फिया।
इतने छोटे छोटे होते हैं, उसके अंदर भी फ्लावर आता है और फ्लावर के बाद उसमें पोलन्स भी बनते हैं, सच ए ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। चलो इस सीन को हटा देते हैं, ठंड सी लग रही है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। अब बात कर लेते हैं सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, कैसे कैसे इसको जो है हमने डिवाइड किया अलग अलग ग्रुप्स में। क्या स्टार्टिंग से ही था? स्टार्टिंग में आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है कि कैरोलस लीनियस ने तो बिल्कुल एक साथ ही कर दिया था सारे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को भी डाल दिया प्लांट किंगडम में। तो बात कर लेते हैं सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टार्टिंग है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, ध्यान रखिएगा बच्चे, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, लेकिन फिर भी इसको आर्टिफिशियल सिस्टम बोला जाता है क्योंकि सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को यह रीड करता है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडी इसमें नहीं होती है। इसके पहले जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था वो रियल क्लासिफिकेशन ही नहीं है, ही जस्ट अटेम्प्टेड टू डू अ सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट्स इट। तो बात करते हैं नंबर वन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस, इनके बारे में आप जानते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट में भी आप देख चुके हैं। अ स्वेडिश बॉटनिस्ट पब्लिश्ड एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स लाइक हैबिटेट को लिया, कलर को लिया, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स को लिया और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को लिया। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को लेकर के कैरोलस लीनियस ने तो बोला था कि भाई मैंने बहुत बड़ी चीज ढूंढ ली है, प्लांट सेक्सुअलिटी ढूंढ ली है, लेकिन बाद में पता चला कि रिलेटेड फैमिलीज में भी आपस में रिलेटेड हैं, फिर भी नंबर ऑफ स्टेमेन या एंड्रोशियम कम ज्यादा हो सकता है, तो वो उनका मतलब एक ड्रॉबैक था हम कह सकते हैं। तो कैरोलस लीनियस का सिस्टम आर्टिफिशियल कहलाता है और यूज नहीं होता। इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, लेट अस हैव अ लुक। द सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इक्वल इंपॉर्टेंस वॉज गिवेन टू बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, दोनों कैरेक्टरिस्टिक को इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, यानी कि फ्लावर और पत्तियों के स्ट्रक्चर को तो दिया ही, इसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में भी इन्होंने काफी ज्यादा तवज्जो दी, इस वजह से यह ड्रॉबैक था इसमें। As vegetative characteristics are easily affected by environment. अब ध्यान दीजिए, आपने plasticity बोल के भी पढ़ा है कि सेम प्लांट अगर पानी के अंदर चला जाता है तो उसकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी चौड़ी चौड़ी हो जाती, यानी कि environment का इफेक्ट होता है, environment के ऊपर डिपेंड करके। सेम प्लांट में आप देखेंगे कि कोई प्लांट कहीं है, कोई प्लांट कहीं है, तो उसमें पत्तियों के साइज में भी फर्क है, तो आप बड़ी पत्ती या छोटी पत्ती नहीं बता सकते। समझ में आ गई बात? तो इस वजह से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हम नहीं बोल सकते कि बहुत कॉन्जर्वेटिव कैरेक्टर हैं, चेंज करते हैं, इट शुड बी एन नॉट एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, तो ये नहीं हो सकता। नाउ तो इन्होंने वो करके दिखाया था। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्लांट वॉज नॉट कंसिडर्ड, कौन किसका रिश्तेदार है इसकी तो बात ही नहीं करी, मतलब जान पहचान की तो बात ही नहीं करी। हमारी कंट्री में चलता है ना भाई, फलाने के जान पहचान के हैं, तो जान पहचान वाली चीज को तो इन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया, कितनी गलत बात कर दी। रिलेशनशिप तो पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट किस दूसरे प्लांट का नजदीकी रिश्तेदार है, ताकि आपको इवोल्यूशन के बारे में पता चलता रहे। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, ही प्रोपोज, दे प्रोपोज बोथ ऑफ देम, जोसेफ डाल्टन हुकर के बारे में हम डिस्कशन कर भी चुके हैं। अ नेचुरल सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट इन जेनेरा प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम, पुराने वाले साइंटिस्ट का था पिछली वाली स्लाइड के, ये जेनेरा प्लांटेरम थे। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन कंपेरेबल स्टडी ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर, इट एम टू लिंक नेचुरल सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, हेंस नेचुरल रिलेशनशिप। तो ये नेचुरल रिलेशनशिप को देखता था, यानी कि मौजूदा अवस्था में जो भी प्लांट है हमारे आसपास हमारी दुनिया में, उनकी रिलेशनशिप को इन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी, इसीलिए नेचुरल सिस्टम बोला। लेकिन इसने भी पुरानी एंसेस्ट्री नहीं निकाली, यानी कि खानदान की जो बनती है एक लिस्ट बननी चाहिए फैमिली ट्री, उसको इन्होंने यूज नहीं किया। इस वजह से नेचुरल सिस्टम है तो काम का, लेकिन फिर भी इसको डिस्कार्ड किया जाता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरेक्टर्स कौन कौन, देखिए मॉर्फोलॉजी यूज किया, एनाटॉमी को भी यूज कर लिया, साइटोलॉजी सेल की स्टडी को भी यूज कर लिया, फिजियोलॉजी उनके अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कैसे होते हैं, जाइलम फ्लोएम में वर्क कैसे हो रहा वो भी ले लिया, ऑन्टोजेनी यानी कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सीड से किस तरह से अगला स्टेप आ रहा है उसके बाद, तो इसको बोलते हैं ऑन्टोजेनी, रिप्रोडक्शन ले लिया, साइटोकेमिस्ट्री ले ली, बायोकेमिस्ट्री ले ली, छोड़ क्या दिया फाइलोजेनी, फाइलोजेनी ले लिया होता तो ये भी परफेक्ट हो जाता, तो ये परफेक्ट नहीं है। और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं देख लेते हैं, लेकिन यूसेज में है हमारे सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम में, जो 25 लाख हर्बेरियम शीट हैं, जो 350 फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से अरेंज्ड हैं, यानी कि काफी ज्यादा साइंटिफिक था।
चलिए, द सिस्टम डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी जीनस फैमिली और ऑर्डर. यहीं पर गलती कर गए. उनके दिमाग में ये चीज आई ही नहीं कि इवोल्यूशनरी पैटर्न पर भी तो हुआ होगा कुछ ना कुछ चेंजेस, क्योंकि उस वक्त तक चार्ल्स डार्विन के वर्क तो आ चुके थे नॉलेज में, लेकिन सब कोई उतना ज्यादा उसको ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि स्टार्टिंग फेज था. समझ रहे हैं बात? तो सबको उतना पता भी नहीं था. धीमे धीमे बातों के बारे में पता चलता है कि भाई उन्होंने क्या ढूंढा. चलिए, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट वॉज मेनली बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टर. यूजुअली एक एक कैरेक्टर को ये वो मान करके पैमाना उसको यूज कर रहे थे, अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर रहे थे, विच इज नॉट करेक्ट. एज अ रिजल्ट क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज वर प्लेस्ड वाइडली अपार्ट, जिसकी वजह से एक दिक्कत आ गई जिसमें नजदीकी जो फैमिलीज थी उनको भी अलग अलग रख दिया गया. जैसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो ग्रुप होते हैं. इन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्म की एफिनिटी वगैरह देख करके जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में प्लेस कर दिया. तो एक तरफ डाइकॉट, दूसरी तरफ मोनोकॉट, और बीच में इन्होंने डाल दिया किसको, जिम्नोस्पर्म को. अब जिम्नोस्पर्म तो वहां नहीं जा सकता, जिम्नोस्पर्म को इन्होंने बीच में प्लेस कर दिया डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में. कितनी बड़ी गलती करी, तो इस वजह से ये डिस्कार्डेड है. अब बात कर लेते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत साइंटिफिक है. इसको किसने दिया था, इंग्लर एंड प्रांटिल ने दिया था, लेकिन इस पे मॉडिफिकेशंस होते गए हैं. इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लर एंड प्रांटिल ने जो बता दिया वही मान लिया गया, बट प्रोसेस अब वही रखा गया क्योंकि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही ट्रू इवोल्यूशनरी सिस्टम है. सो इंग्लर एंड प्रांटिल प्रपोज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म. इट रिफ्लेक्ट ट्रू रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर. यानी कि कोई अगर सेम जीनस को बिलोंग करता है तो उसके एंसेस्टर तो सेम थे, यानी कि उससे ऊपर वाला जो कैटेगरी था एटलीस्ट सेम था. जैसे मान लीजिए पैंथेरा, पैंथेरा की बात करते हैं ना, आपके एनसीआरटी में दिया हुआ है, आपने पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड में, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, सेम जीनस है. इसका मतलब है कि उनकी फैमिली एटलीस्ट सेम है. ठीक है, समझ में आ गई बात. अब आगे बढ़ते हैं सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में. इन एब्सेंस ऑफ फॉसिल एविडेंस, तो देखिए बच्चों, जब भी हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, यानी कि एंसेस्टर्स की स्टडी हो रही है, तो मिलाएंगे किससे, फॉसिल्स भी तो चाहिए, क्योंकि सारे के सारे एंसेस्टर तो है नहीं. बीरबल सैनी जी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है जिम्नोस्पर्म्स की एंसेस्ट्री को ढूंढने में. लेकिन अगर मान लीजिए फॉसिल एविडेंस नहीं है, कई बार नहीं मिलते फॉसिल क्योंकि फॉसिल एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, सो देन इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन एविडेंसेस फ्रॉम ब्रांचेस लाइक साइटो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. इन तीन ब्रांचेस की भी मदद ली जाती है. तो देख लेते हैं क्विकली ये तीनों ब्रांचेस हैं क्या क्या. साइटो टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल, यानी कि सेल की स्टडी हो रही है. साइटोलॉजिकल स्टडीज, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम, स्ट्रक्चर एंड मियोटिक बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम. इतना तो आप समझ ही गए होंगे, अगर एक ही फैमिली या एक ही क्लोजली रिलेटेड मेंबर के ग्रुप हैं तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी सेम होगा, क्योंकि वो डेवलप एक ही स्टॉक से हुए होंगे, तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होंगे, तो इसको यूज कर लिया जाता. इसके अलावा कीमोटैक्सोनॉमी यूज कर ली जाती है, जिसमें केमिकल्स की स्टडी हो जाती है कि कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर, कौन से हार्मोन्स को वो बना रहा है. अगर एंजाइम हार्मोन का जो केमिकल नेचर है, स्ट्रक्चर है, मैच कर जाता है, तो दैट मींस दे आर क्लोजली रिलेटेड. कैसे प्रोटीन्स बना रहे हैं, सारे प्लांट तो प्रोटीन नहीं बनाते ना, थोड़ा बहुत तो सब बनाते हैं वैसे, लेकिन बाकी जो पल्सेस हैं ज्यादा प्रोटीन बनाती, तो डिफरेंशिएट किया जा सकता है. अमीनो एसिड प्रोटीन का ही बिल्डिंग ब्लॉक है, तो बात वही हो गई. देन कम्स न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. अब न्यूमेरिकल का नंबर से मतलब है, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब है ये कंप्यूटर्स की मदद से एल्गोरिदम बनाया जाता है. यानी कि आपने एक एक कैरेक्टर को एक एक नंबर दे दिया और दो जो कंपेयर किए प्लांट्स में उनके सारे कैरेक्टर्स को लिख लिया, कंप्यूटर में डेटा डाल दिया गया, चार पांच छह प्लांट्स को रख लिया गया. अब जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को रन करेंगे आपको मिल जाएगा कि इतने 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 पॉइंट बिल्कुल मैच हो रहे हैं, तो यू विल गेट एन आइडिया. जिसमें ज्यादा पॉइंट्स मैच होंगे वही क्लोजली रिलेटेड है. सो इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव असेसमेंट, है ना, क्वांटिटी में असेसमेंट किया जाता है ऑफ किसका, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज, इन ऑर्डर टू मेक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट. तो नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर एंड द डेटा आर देन प्रोसेस. बड़ा ही सिंपल तरीका है, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, कंप्यूटर्स की मदद लेकर के इसको कर लिया जाता है.
चलिए अब बात कर लेते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसके अलावा और क्या करता है? इसके अलावा भी कई चीजों को देखता है, यानी कि ये टोटल स्टडी है बच्चों, किसी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो ये और क्या देखेगा? मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को भी देखा जाएगा। तो जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है तो उसमें डाल दिया गया इसका भी कोड। इसके बाद एनाटॉमी, तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दो इंपॉर्टेंट है ना, चैप्टर्स भी हैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट। देन साइटोलॉजी, सेल वाला चैप्टर, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ओ माय गॉड, एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी इजी लगती है शायद, प्लांट फिजियोलॉजी उससे भी ज्यादा आसान लगने लगेगी, माय गारंटी, डोंट वरी। फिजियोलॉजी, ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी का मतलब है कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, एक जाइगोट के बाद उसके ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं। देन रिप्रोडक्शन एंड इट्स प्रोसेसेस, साइटोकेमिस्ट्री, सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं उनकी केमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में वो सारे बायोमोलिक्यूल्स आ गए, बायोमोलिक्यूल्स। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सचिन सर की सेशन चल रहे हैं, जरूर फॉलो करिए, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्लांट किंगडम को देख लेते हैं किस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैं हट जाता हूं, आप एक बार एक बर्ड्स आई व्यू ले लीजिए पहले और फिर मैं आता हूं। सो विद द बर्ड्स आई व्यू यू गॉट एन आइडिया कि कितने इसके ग्रुप्स हैं। तो प्लांट किंगडम को दो मेजर हम बोल सकते हैं डिविजन्स में ब्रेक किया गया है, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी एक ग्रुप हो गया, क्रिप्टोगैमी दूसरा ग्रुप हो गया, फेनेरोगैमी किंगडम प्लांटे, तो इसको डिवाइड किया गया क्रिप्टोगैमी। अब ये क्रिप्टोगैमी वर्ड की मीनिंग थोड़ी सी फनी है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गैमे का मतलब होता है मैरिज, तो उन्होंने नाम ऐसे ही दिया था पुराने साइंटिस्ट ने। उन्होंने नाम इसलिए दिया था क्योंकि रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में पता नहीं चल पाता था। क्यों? क्योंकि ये नॉन फ्लावरिंग है, जिसमें फ्लावर या कोन आ रहे हैं तो पता है कि भाई रिप्रोडक्शन इन्हीं स्ट्रक्चर से होता है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता था ये पता नहीं चलता था, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया कि भाई रिप्रोडक्शन तो हो रहा है बट द मैरिज इज नॉट नोन। चलिए तो थोड़ा सा फनी नाम है आज के कॉन्टेक्स्ट में, बट उसको हटाया नहीं गया क्योंकि उनके ऑनर में जिन्होंने ये नामकरण कर दिया, तो ठीक है चलने दीजिए। फेनेरोगैमे का मतलब है रिवील्ड मैरिज, यानी कि धूमधाम से शादी हुई है, बारात गई हुई है। चलिए तो फेनेरोगैमे को हम जनरली फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, लेकिन फेनेरोगैमे में सारे फ्लावरिंग नहीं है, एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट, ट्रू फ्लावरिंग प्लांट। तो जिम्नोस्पर्म क्या हो गए? जिम्नोस्पर्म फ्लावर का इक्विवेलेंट बियर करते हैं, यानी कि फ्लावर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर जिसको हम कोन बोलते हैं, लेकिन वो फ्लावर तो बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा हार्ड होता है, अगर आपने कोन कभी हाथ में लिया हो, वुडी होता है, लकड़ का होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि भाई फिर इनके अंडर में जो है जो ग्रुप्स बने उसके बाद वो कौन कौन से हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टोगैमे के अंडर में जो ग्रुप्स आ गए वो हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, और फेनेरोगैमे के अंदर जो ग्रुप्स हो गए वो हो गए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जैसे ही इन पांचों के बारे में हमने देख लिया, तो यही पांच पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को डिफाइन करते हैं। अब इनमें क्लासेस हैं, तो उन क्लासेस के बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। क्लासेस आर क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी, इन थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा में लिवरवॉर्ट है, मॉसेस हैं। टेरिडोफाइटा में साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, टेरोप्सीडा जो मौजूद हैं अभी। जिम्नोस्पर्म में कोनिफेरोप्सीडा, निटोप्सीडा, साइकेडोप्सीडा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। और इधर एंजियोस्पर्म में डाइकोटिलेडोनी और मोनोकोटिलेडोनी, तो सब का सब हमें पढ़ना जरूरी है। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं थैलोफाइटा और उसकी तीनों क्लासेस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थैलोफाइटा एल्गे। ये पिक्चर आपकी एनसीईआरटी की है, यू कैन ईजली रिलेट। पुरानी एनसीईआरटी में एक ही कलर में है सारे, नए में कलर में चेंजेस आ गए हैं, ग्रीन वाले को अलग कर दिया गया, ब्राउन वाले को, सेकंड कॉलम देखिए ब्राउन वाला, और ये रेड है। बिल्कुल रेड तो ये नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअल फोटोज भी मैं दिखाऊंगा, इसको इसलिए इंक्लूड किया ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये कौन सा है? दिस इज वॉल्वॉक्स, दिस इज क्लामाइडोमोनस, एंड दिस इज कारा ग्लोब्यूलैरिस। समझ में आ गई बात इन तीनों के बारे में? तो ये तीनों के तीनों हमारे क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गे के मेंबर हैं। व्हाट अबाउट दीज? दीज आर फेओफाइसी और ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे के बारे में भी पढ़ेंगे और रोडोफाइसी रेड एल्गे के बारे में भी पढ़ेंगे। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। सो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में एल्गे आर हैप्लॉइड। अभी हमने पढ़ा कि एल्गे सारे के सारे हैप्लॉइड कंडीशन के होते हैं ज्यादातर। गैमिटोफाइटिक, गैमिटोफाइटिक का मतलब ही हुआ हैप्लॉइड कंडीशन को बियर करते हैं, सो दे आर गैमिटोफाइटिक। इसके अलावा ये क्या है? यूकैरियोटिक भी हैं, दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक। ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिलस, क्रिप्टोगैमिक यानी कि क्रिप्टोगैम्स हैं ये, क्रिप्टोगैमे या क्रिप्टोगैम्स।
नॉन वैस्कुलर एक्वाटिक प्लांट्स, और ये ज्यादातर एक्वाटिक हैं और नॉन वैस्कुलर हैं, जाइलम फ्लोएम इनमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन के ये प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। इनके मेंबर्स को हम प्लैंकटन्स भी बोलते हैं, फाइटोप्लैंकटन्स बोलते हैं। किसी भी फूड चेन में अगर आप देखेंगे, एक्वाटिक फूड चेन में, तो बिल्कुल फाइटोप्लैंकटन से ही स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें कुछ प्रोटिस्टा किंगडम के भी मेंबर्स हैं जिनको कॉमनली एल्गे बोला जाता था, आज भी बोल देते हैं, लेकिन वो एल्गे नहीं है। तो एल्गे भी हैं और नॉन एल्गे भी हैं उसमें, जिनको एल्गे कहा जाता है, जो फाइटोप्लैंकटन्स हैं। सो दे ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ, 3/4 ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ को ये ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जो भी वाटर बॉडीज हैं उनमें तो ये है ही है। तो इस वजह से 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस विच इज ऑक्यूपाइड बाई वाटर बॉडीज, समंदर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि भाई 3/4 तो समंदर ही है, पानी है, एंड अकाउंट फॉर 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस। ओ माई गॉड, सच एन इंपॉर्टेंट डेटा, 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस यही कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे समंदर में भी ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा होता है एटमॉस्फियर में। हम तो सोचते हैं कि हमने प्लांट अगर काट दिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि इकोलॉजिकली समझिए, अगर आपने ट्रीज को काट दिया आपके आसपास के इलाकों में, तो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होने लगता है, और चांसेस हैं कि द लैंड विल बिकम एरिड, जमीन बंजर हो सकती है। ठीक है, तो पेड़ों को बिल्कुल ना काटिए, लेकिन नेचर का बैलेंस तो वैसे यही कंट्रोल किए हुए, 90% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस। मैराइन एल्गे आर द मेजर प्रोड्यूसर, तो जो मैराइन एल्गे हैं वो मेजर प्रोड्यूसर कहलाते हैं क्योंकि समंदर ही सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनको क्लासेस के हिसाब से। सो द प्लांट बॉडी इज थैलस विच इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक एंड डज नॉट शो एनी डिफरेंशिएशन इनटू रूट स्टेम लीफ। ये रहा एसिटेबुलेरिया, इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है, ये बड़ा ही अनोखा सा प्लांट है, इसको जेनेटिक रिसर्च में बड़ा यूज किया जाता है। इसकी जो कैप है अगर यहां से कट कर दिया आपने, दोबारा से रीग्रो हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस इसका बेस में है, यानी कि जहां पर ये होता है, जहां पर राइजोइड्स हैं वहीं पर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसके डायग्राम में, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इट बिलोंग्स टू ग्रीन एल्गे क्लोरोफाइसी, पता होना चाहिए। वैस्कुलर सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट, इनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम बिल्कुल नहीं पाया जाता, यानी कि थैलोफाइटिस में। सेक्स ऑर्गन्स आर वन सेल्ड यूनिसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ध्यान रखिए बच्चों, एंथेरिडियम आर्केगोनियम बोल सकते हैं, लेकिन वो एंथेरिडिया आर्केगोनिया एक ही सेल का होता है, मल्टीपल सेल्स के नहीं होते और नॉन जैकेटेड होते हैं। इसके बाद ब्रायोफाइटस में जैकेटेड है। सो वन सेल्ड एंड गैमेटेंजिया इज नॉन जैकेटेड, गैमेटेंजिया यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नॉन जैकेटेड है। एल्गे आर प्लांट्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए, सेलुलोजिक सेल वॉल, स्टार्च एज रिजर्व फूड, हमने बात करी थी, रिजर्व फूड स्टार्च के फॉर्म में रहेगा। स्टार्च के अलावा और भी सारे केमिकल्स हो सकते हैं, लेकिन स्टार्च तो बनता ही बनता है क्योंकि ग्लूकोज बनेगा तो उसको कन्वर्ट तो किया ही जाएगा स्टार्च में, और क्लोरोफिल ए है विच इज द प्राइमरी क्लोरोफिल, सेलुलोजिक सेल वॉल है। तो ये हो गया थैलोफाइटा का जनरल कैरेक्टर। अब इनके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। एल्गे इज डिवाइडेड इंटू क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। चलिए, मैं काफी बोल चुका हूं, लेट मी हैव अ लुक, आप लोग लाइक्स भी दे रहे हैं या नहीं। लाइक्स का रेशियो बढ़ते रहना चाहिए। गुनगुन, दीपमाला, दिया, हार्दिक, मोहम्मद, कैफ, चलिए बच्चों लाइक्स देते रहिए, इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स ढूंढ कर लाया हूं आपके लिए। देखिए, सो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गे, और ये जो मेंबर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये वही स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल, एंथेरिडियम आर्केगोनियम, यानी कि ये कारा है, कारा ग्लोब्यूलैरिस, विच इज ऑल्सो नोन एज अ मैक्रोस्कोपिक एल्गे। इसके बाद एक मेंबर हमने फेओफाइसी में, ब्राउन एल्गे में भी लिया हुआ है, और फिर रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गे में भी मेंबर लिया हुआ है। इनको देखिए, इनको पहचानने की कोशिश करिए, इनके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। एल्गे में जो जनरल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे कैसे होता है, तो एल्गे में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस आर प्रेजेंट। ठीक है, आइसोगैमस हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनआइसोगैमस हो सकता है और ऊगैमस हो सकता है। तो ये आइसोगैमी, एनआइसोगैमी एंड ऊगैमी, ये भी आप पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में। आइसोगैमी का मतलब है गैमीट दोनों एक जैसे होंगे, एनआइसोगैमी का मतलब है, एनआइसोगैमी और ऊगैमी का मतलब थोड़ा सा बहुत नैरो मार्जिन ऑफ गैप के साथ है, तो इसको मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए बच्चों, दो चीजें होती हैं, एक हो गया अगर हम आइसोगैमी की बात करते हैं, तो मान लीजिए पायरी फॉर्म ऐसे करके होते हैं, सेल्स होते हैं वही गैमीट के फॉर्म में,
एक्ट करते हैं, जैसे क्लैमाइडोमोनस। अब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों अगर आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उसको आइसोगैमी ही बोला जाएगा। एनाइसोगैमी में क्या हो सकता है, मान लीजिए एक का साइज छोटा है और एक का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो एक कंडीशन तो यह हो सकता है कि साइजेस में डिफरेंस है, लेकिन दो चीजों में डिफरेंस होना चाहिए, एक डिफरेंस है मॉर्फोलॉजी में और दूसरा डिफरेंस है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, यानी कि वो देखने में कैसा है और काम क्या कर रहा है, एक्शन क्या कर रहा है। तो अगर इनमें से किसी एक पॉइंट पर ये रहेगा तो एनाइसोगैमी, अगर दोनों में रहेगा, जैसे ओगैमी में देखते हैं कि एक तो चलिए मान लीजिए छोटा है और दूसरा जो है बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसको इस तरह ना दिखा करके इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है विच इज इक्विवेलेंट टू द स्पर्म, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो ये कंफ्यूजन कई बार आप लोगों को क्रिएट कर देता है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज नॉट ओगैमस, इट इज एनाइसोगैमस। कैसे है, वैसे तो आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं। तो एनाइसोगैमस है ह्यूमन के केस में, एनाइसोगैमस। आप बोलेंगे कैसे, देखिए दो प्रोसेसेस बता, एक तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है और दूसरा फिजियोलॉजिकली। तो ह्यूमन स्पर्म एंड फीमेल ओवम, ह्यूमन में मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम दोनों मॉर्फोलॉजिकली तो बिल्कुल भी डिफरेंट है, सबको पता है। सो दैट मींस एक पॉइंट तो हो गया। अब आप बोलेंगे कि नहीं, फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट है, मेल स्पर्म इज मोटाइल बट द फीमेल इज नॉट मोटाइल। बट ध्यान दीजिए बच्चों, मेल मोटाइल है, वो अपनी मॉर्फोलॉजी की वजह से खुद ही मोटाइल हो गया, लेकिन फीमेल जो एग सेल है वो भी मोटाइल है, वो सेल्फ मोटाइल नहीं है लेकिन मूव तो वो भी करता है। मेल स्पर्म ओवरी के अंदर तो नहीं जाता है ना, सो ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है और वो भी मूव करके आ रहा होता है फेलोपियन ट्यूब में, जहां पर दोनों का फ्यूजन होता है ना। तो इस्थमस जंक्शन में, फेलोपियन ट्यूब में जो इस्थमिक एरिया होता है वहां पर दोनों का फ्यूजन होता है और उसके बाद बनता है जाइगोट। तो ह्यूमन का केस जो है एनाइसोगैमस है, ओगैमस नहीं है। तो ओगैमस किसमें पाया जाता है, आप सारे प्लांट्स के बारे में देख लें, जो हायर प्लांट्स हैं पॉलन जा रहा होता है, पॉलन मूव करता है, चाहे वो सेल्फ मूव करे या विंड के साथ मूव करे, किसी किसी में सेल्फ भी मूव कर सकता है, जैसे कि साइकस में खुद ही मूव करता है, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये ओगैमस टाइप जो है ये प्लांट किंगडम का स्पेशलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। अब बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गे का जो डिवीजन है वो है क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी देख लेते हैं, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मोस्टली एक्वाटिक, मेनली फ्रेश वाटर फॉर्म एंड अ फ्यू आर मैराइन, ज्यादातर ये मीठे पानी में पाए जाते हैं, कुछ समंदर में भी पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विथ फंजाई, कुछ फंजाई के साथ एसोसिएशन करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे भी करते हैं और ये एल्गे भी करते हैं, लाइकेन बनाते हैं, और कुछ एनिमल्स के साथ एसोसिएशन कर लेते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर, ये उल्टा टंगा रहने वाला भालू देखिए कैसे देख रहा है, उसको मैंने हेलो कह दिया, काफी देर से लटका हुआ है बच्चों, वेट कर रहा था आपके क्लास का। तो दिस इज स्लॉथ बियर, देखिए इसकी स्किन के ऊपर, इसका जो फर है, इसके फर के ऊपर एल्गे लग्जूरियंटली ग्रो करता है, तो इसके साथ भी एसोसिएटेड है। ये स्लॉथ बियर है, ये ट्रीज में उल्टा लटका रहता है, बड़े बड़े क्लॉज होते हैं और ये लटके लटके ही सारी जिंदगी पार कर देता है। अगर ये गलती से नीचे गिर जाए और चढ़ने की कोशिश करता है प्लांट में, तो क्लॉज जो है इसके शरीर में घुस जाते हैं और इसकी मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर कहीं आप जा रहे हो और स्लॉथ बियर दिख जाए तो उसको जरूर पेड़ पे टांग दीजिएगा, काटेगा नहीं बिल्कुल, घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे इंडिया में नहीं दिखेगा। चलिए, सो मे बी यूनिसेलुलर, इसके मेंबर्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जैसे कि क्लैमाइडोमोनस इज यूनिसेलुलर, मोस्टली मल्टीसेलुलर विथ थैलस लाइक प्लांट बॉडी कवर्ड बाई म्यूसिलेज। म्यूसिलेज आपने ब्लू ग्रीन एल्गे में भी पढ़ा था। फिलामेंटस फॉर्म भी है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये देखिए, ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में एक एक मेंबर क्लैमाइडोमोनस जैसा दिखता है, लेकिन चूंकि ये कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं इसलिए इसको एक अलग ही जीनस बुलाया जाता है, वॉल्वॉक्स।
सेल्स इसके इंडिविजुअली क्लैमाइडोमोनस की तरह ही देखने में लगते हैं, लेकिन डिफरेंस है क्योंकि वो कॉलोनियल फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट बेटा जो ध्यान रखने याद रखने वाली बात है, क्लोरोफिल ए बी जैंथोफिल, ये याद कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी जैंथोफिल, ए बी जैंथोफिल, दो तरह के क्लोरोफिल और जैंथोफिल। रिजर्व फूड मटेरियल भी ध्यान रखने वाली बात है, इज इन द फॉर्म ऑफ पाइरेनॉइड। पाइरेनॉइड, पाइरेनॉइड क्या होता है, इसके कोर में प्रोटीन होता है, ऊपर से स्टार्च की कोटिंग होती है, दैट इज पाइरेनॉइड एंड सम ऑयल ड्रॉपलेट। पाइरेनॉइड कहां देखने को मिलता है, ये देखिए स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में क्लोरोप्लास्ट कैसा है, रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट है, क्रिस क्रॉस, ये देखिए ये क्रिस क्रॉस जो जा रहा है स्ट्रक्चर, ये क्लोरोप्लास्ट है और उस क्लोरोप्लास्ट में देखिए पाइरेनॉइड दिया हुआ, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर। तो पाइरेनॉइड के कोर में क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब देखिए बच्चों यहां पर पाइरेनॉइड क्लैमाइडोमोनस में भी दिख रहा है, क्लैमाइडोमोनस का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेपेड होता है और उसमें पाइरेनॉइड दिख रहा है। ये देखिए ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्चुअली द प्रोटीन, और ये जो ऊपर व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है सराउंडिंग, दिस इज द स्टार्च, क्योंकि स्टार्च का प्रोडक्शन हो रहा है, ग्लूकोज बनेगा तो स्टार्च में कन्वर्ट करेगा, उसी के ऊपर स्टोर कर लिया जाएगा। तो इसमें पिगमेंट और रिजर्व फूड मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे गलती करते हैं। चल बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है जो कि बड़ा सिंपल टाइप है, सेल डिवीजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, या स्टोलन टाइप का स्ट्रक्चर जो एक्वाटिक है, समंदर में होते हैं बड़े बड़े, उनमें स्टोलन टाइप स्ट्रक्चर डेवलप कर जाते हैं, ट्यूबर भी बन जाते हैं, स्टोरेज सेल्स भी हो जाते हैं। तो हर तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये कर लेते हैं। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स ज्यादातर फ्रेश वाटर में है, समंदर में ब्राउन एल्गे एंड रेड एल्गे, लेकिन कुछ मेंबर्स हैं जो वहां भी पाए जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं स्पोर्स की। जू स्पोर्स क्लैमाइडोमोनस में आपने देखा है मोटाइल स्पोर्स होते हैं, अप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स एंड एकाइनेट। एकाइनेट और हिप्नोस्पोर सिमिलर टर्म्स हैं, लेकिन एकाइनेट जुड़ा रहता है प्लांट सेल के साथ उसी फिलामेंट में, बल्कि हिप्नोस्पोर सेपरेट हो जाता है और फिर बाद में फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है या फिर डॉटर कॉलोनीज। तो ये सारे हो गए इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सेक्सुअल में आइसोगेमस भी करता है स्पाइरोगाइरा, एनआइसोगेमस क्लैमाइडोमोनस। स्पाइरोगाइरा में कॉन्जुगेशन भी होता है, एनआइसोगेमस क्लैमाइडोमोनस, ऊगेमस वॉल्वॉक्स। और एक बहुत पते की बात बता देता हूं, क्लैमाइडोमोनस एक ऐसा इकलौता मेंबर है जो आइसोगेमस भी करता है, एनआइसोगेमस भी करता है और ऊगेमस भी करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने एग्जांपल्स में बार बार नहीं लिया उसको, लेकिन ये बताने के लिए आपके लिए रख दिया कि भाई ये क्लैमाइडोमोनस बड़ा ही स्पेशल है, ये तीनों तरीकों से कर लेता है रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई बात। अब बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कैन बी हैप्लोंटिक, डिप्लोंटिक या डिप्लो हैप्लोंटिक। तो जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखेंगे वहां लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल देयर इज अ सिंगल सोमैटिक फेज विच इज हैप्लोइड, डिप्लोइड फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल और जाइगोट, जैसे कि स्पाइरोगाइरा। और लाइफ साइकिल जो मैंने यूज करी यहां पर क्लैमाइडोमोनस की लाइफ साइकिल आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड। आप देख रहे हैं यहां पर प्लस या माइनस करके हम इनको बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ को एक जैसे ही हैं। आइसोगैमी अगर हो रही एक को प्लस एक को माइनस, किसी को भी बोल सकते हैं आप, अल्टर कर सकते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने देखिए फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन किया और बना क्या, बना जाइगोट। ये जैसे ही जाइगोट बना दे विल अंडरगो मियोसिस, और देखिए चार निकल आए, एक दो तीन चार, चारों के चारों निकल आए, क्योंकि मियोसिस में चार ही बनते हैं, और वो फिर से अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मली भी डिवाइड कर जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फेओफाइसी और ब्राउन एल्गे। तो इसको समझ लेते हैं, दे आर मैराइन, ये समंदर में पाए जाते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा गहरी जगहों पर भी यही पाए जाते हैं फेओफाइसी। अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा गहरी जगह में पाया जाने वाला कौन सा है, तो फेओफाइसी ही होगा। लेकिन कुछ इलाकों में हमारे रोडोफाइसी भी है, लेकिन जो रिकॉर्ड बना हुआ है वो फेओफाइसी का है। सो नाउ इट्स कॉमन मेंबर्स आर कॉल्ड सीवीड या केल्प बोले जाते हैं, इनके मेंबर्स को केल्प बोला जाता है। देखिए सारे के सारे सीवीड हैं, केल्प हैं, फ्यूकस, देन वी हैव मैक्रोसिस्टिस, देन वी हैव लैमिनेरिया, देन वी हैव सरगैसम। सरगैसम को सरगैसोसी भी बोला जाता है, समंदर का एक एरिया है जहां पर सरगैसम इतना ज्यादा ग्रो करता है और ये 100 मीटर तक ग्रो कर जाते हैं बच्चों। शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, शिप्स के जो नीचे
वो टर्बाइंस वगैरह होते हैं उनमें फंस जाते हैं, ये इतने भयंकर भयंकर होते हैं साइज में। तो फेओफाइसी ब्राउन एल्गे, आप समझ सकते हैं जल में ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, और जल में जितना हो सकता था विविधता वो जीवों ने दिखाई हुई है। लेकिन भाई लैंड तो है नहीं कि हाथी जैसे बन जाएं या बैनियन ट्री जैसे बन जाएं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म पानी में नहीं दिखते, लेकिन हाँ काफी डेवलपमेंट हुआ है। सो प्लांट बॉडीज ब्रांच्ड फिलामेंटस, एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस में ब्रांच्ड और फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके अलावा प्लांट बॉडीज डिफरेंशिएटेड इनटू अ होल्ड फास्ट स्टेम लाइक स्टाइप एंड लीफ लाइक लैमिना, लीफ लाइक लैमिना है, लीफ नहीं है। देर आर यूनिसेलुलर कोलोनियल अनब्रांच फिलामेंटस फॉर्म इन ब्राउन एल्गे, कई तरह के होते हैं और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिखा दिए हैं सारे के सारे फोटोज के साथ। अब बात करते हैं इनमें कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट के बारे में। सो कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन पिगमेंट इज ड्यू टू फ्यूकोजैंथिन। तो सबसे पहले जो पिगमेंट आपको याद रखना है वो है फ्यूकोजैंथिन, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा ब्राउन एल्गे। इसके बाद क्लोरोफिल ए है, सी है, ज़ैंथोफिल है, लेकिन क्लोरोफिल बी मिसिंग है, देख लीजिए पहले वाले के साथ डिफरेंशिएट। रिजर्व फूड मटेरियल आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सच एज लैमिनारिन, तो लैमिनारिन एक तरह का स्टार्च है, एंड मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड मैनिटॉल ये याद रखिएगा, तो लैमिनारिन स्टार्च का इक्विवेलेंट है। इसके बाद सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड बाय फाइकोकोलॉइड लाइक एल्जिनिक एसिड, तो इसके सेल वॉल से एल्जिनिक एसिड को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूसेज में काम आता है। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, तो एसेक्सुअल में वेजिटेटिव प्रोपागेशन है और जू स्पोर के थ्रू होता है। इसमें सिर्फ जू स्पोर है, इसमें बाकी स्पोर्स नहीं है जो आपने बाकी सारे स्पोर पड़े हुए हैं। तो इसमें जू स्पोर कैसा होता है, बाई फ्लैजिलेटेड होता है, एंड इट हैज टू अनइक्वली लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला। स्ट्रक्चर कैसा होता है, पायरीफॉर्म, पियर शेपेड होता है। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, तीनों टाइप इनमें पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके लाइफ साइकिल के बारे में। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन सम ब्राउन एल्गे। अभी याद रखिए एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, ये आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम फिर पढ़ेंगे जब लाइफ साइकिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन मेनी ब्राउन एल्गे द डिप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट, कभी कभी यहां पर डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट है किसी किसी में, यानी कि हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट नहीं है। सो द हैप्लॉइड फेज इज ईदर माइक्रोस्कोपिक और रिप्रेजेंटेड बाई गैमीट्स जैसे कि फ्यूकस। तो अगर डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट है तो आप समझ सकते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डोमिनेंट फेज ही रहता है। एक और आपने पढ़ा हुआ है डायएटम्स, जो कुछ कुछ एल्गे जैसे मिलते जुलते उनमें भी जो है डिप्लॉइड फेज बनता है, वो डिप्लॉइड होते हैं, डेसमिट्स हैप्लॉइड होते हैं। तो काफी सिमिलैरिटी है। ये लाइफ साइकिल दी हुई है लैमिनेरिया की, एक बार देख लीजिए बिल्कुल वैसे ही है। और ये देखिए ज़ूस्पोर किस तरह के हैं, इनके फ्लैजेला देखिए अनइक्वल है ना, अनइक्वल टाइप ऑफ फ्लैजेलास आर देयर। तो वी विल लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल इन वन गो, सारे के सारे लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। रोडोफाइसी आज का लास्ट पॉइंट, मोस्टली मैराइन विथ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन वार्मर एरियाज, ये गर्म पानियों के वाले इलाके में पाए जाते हैं, समंदर में होते हैं लेकिन गर्म पानी वाले इलाके में पाए जाते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर इनमें नहीं है। फिलामेंटस फॉर्म पॉलीसिफोनिया, पैरेन्काइमेट वा शीट लाइक पोरफाइरा, पॉलीसिफोनिया पोरफाइरा, रिबन लाइक कॉन्ड्रस, देखिए रिबन लाइक है, और लेस लाइक जरी जैसा जालीदार जेलीडियम, समझ में आ गया। जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो एगार को प्रोड्यूस करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट इज आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और बीटा कैरोटीन, ये याद कर लीजिएगा। रिजर्व फूड मटेरियल इज फ्लोरिडियन स्टार्च, सिमिलर इन कॉम्पोजिशन टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड सम म्यूकोपॉलीसैकेराइड लाइक फाइकोकोलाइड, एगार, कैराजीनिन। एगार बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एगार को याद रख लीजिएगा, साथ में कैराजीनिन भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है इससे। तो रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल दोनों है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड होल्ड फास्ट से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई नॉन मोटाइल स्पोर, तो इनमें नॉन मोटाइल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ ऊगैमस होता है क्योंकि इनके अंदर मोटाइल स्पोर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो वाया नॉन मोटाइल गैमीट इट इज ऊगैमस। सो आज का सेशन यहीं तक, आगे कल के सेशन में, यानी कि आगे जो भी सेशन होगा उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे ब्रायोफाइटस के बारे में। तो बच्चों एक बार क्लासेस का टाइम देख लेते हैं, फॉर 11th जो बायोलॉजी की टाइमिंग है फ्रॉम 7 PM, फिजिक्स 8 PM, फ्रॉम 9 PM। तो ये बायोलॉजी की टाइमिंग सचिन सर की क्लास के लिए है, मेरी क्लास की टाइमिंग 5 to 6 होती है, आपको पता होना चाहिए। 12th डेज सेम रहेंगे और मेरी क्लास की टाइमिंग 5 to 6, सचिन सर की बायोलॉजी की क्लास फ्रॉम 7 PM।
चलिए बच्चों, अगर आपको मेरे सेशन पसंद आते हैं और डिटेल स्टडी के लिए जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, यू गेट 10% डिस्काउंट। और जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, गुनाह कर रहे हो बच्चों, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये पेयर में आता है, ये ऑफर पेयर वाला है, इसको भी प्रेस कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द होल टीम, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।